जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। स्वान, स्वान। क्या हुआ अब्बा, क्या हुआ? सुनो तो अपनी बीवी की बातें। अरे सुन, डॉक्टरी की बिला हो जाएगा है बेचारा, देखो रोना भी भूल गया सहम के। उसके बाद मैंने मना किया इनको तो कहने की जहन्नम में तंग आ चुकी हूँ मैं। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से उसके साथ शॉपिंग करते हुए देखा है, कह दो कि ये भी मेरी गलत फहमी है। चुटका दो मुझे, बोलो मैं झूठ बोल रहा हूँ। अम्मी उस्मान ने तो मेरे किरदार की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने बहुत बुरा इल्जाम लगाया मुझ पे। क्या कह रही हो बेटा? जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अम्मी मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे अजहर से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, जबकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अजहर का दिल सिर्फ मेरे और शांजे के पीछे धड़कता है। बहुत एहसास करते हैं वो हमारा, मुझे नहीं करनी चाहिए थी उनसे इस तरह बात। बेटा मियाँ बीवी के रिश्ते में ये नोकझोंक तो होती रहती है, पर ये जिंदगी का हिस्सा है। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब तुम एक काम करो, जाओ और जाकर अजहर को फोन करो ताकि तुम्हारे दिल को इत्मीनान हो जाए। कॉल तो मैं कर लूंगी लेकिन मेरे दिल को इत्मीनान नहीं आएगा। मुझे समझ नहीं आती कि उसके घर वाले इतने सुकून से कैसे रह सकते हैं हमें बेसुकून करके। क्या बिगाड़ा है हमने उनका? देखो बेटा, तुम्हारी और अजहर की जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है ना, उसका मदावा करना तो बहुत मुश्किल है, मगर तुम सबर का दामन थामे रखो। बेशक अल्लाह सबर वालों के साथ है और उसे इंसाफ जरूर देता है। अच्छा आप, मुझे देर हो रही है, जल्दी से नाश्ता कर लो मेरे सामने तो मैं जाऊं। चलो मेरा बच्चा। उफ़ल्ला अब्बा, कभी कभी होता है वैसे जिंदगी में इतना मजे का नाश्ता करने को मिल जाए भाई। और क्या, बहू के आजकल बदमजा खाना खा के मेरे मुंह का जायका खत्म हो गया सारा। लेकिन साहबजादे को यही जायका पसंद है, बहुत मुश्किल दोनों वाले लिए होंगे, भूखे चले गए। अब्बा मुझे तो लगता है दोनों का झगड़ा हो गया है, वरना रिदा बेगम जरूर आती नीचे नाश्ता बनाने के लिए। मैंने पूछा था उस्मान से, मैंने कहा कहाँ है, कहते तो मुझे क्या पता किधर है, खुद ही देख लें। उस्मान ने कहा, मानने वाली बात नहीं है। कहा तो ऐसा ही अब्बा, लगता है भूत उतर रहा है। तो फिर कुदरत मेहरबान हो रही ना हम पे। उधर अजहर को एहसास हो गया, फोन कर रहा है, रकम नहीं भेज रहा। यहाँ इन साहबजादों के दिमाग पे ठिकाने आ रहे हैं। अब्बा वो अजहर से मुझे याद आया, मुझे ना पैसे चाहिए। वो दरअसल रात को मैं शॉपिंग के लिए चली गई थी ना, आपको पता है इकबाल के पास पैसे तो होते नहीं है, उसने अपने ना एक दोस्त से उधार ले लिए थे, अब वो उधार चुकाना है। अच्छा अच्छा, मिल जाएंगे भाई। हाँ तो क्यों नहीं मिलेंगे भाई, पूरा हक है मेरा, इकलौती बेटी हूँ इस घर की। अब्बा वो मुझे ना एलईडी दिला दे नया। एलईडी तो है ना तुम्हारे पास, क्यों भी? अब्बा है तो, लेकिन वो साइज का थोड़ा छोटा है ना, फिल्में देखने का इतना शौक है, मजा नहीं आता। है भाई छोटा ही क्या है ना गुड्डू? अरे खाओ ना तुम यार, आ जाए फिर कहेंगे सब हलवा पूरी खा गए। जाओ अपनी अम्मा को भेजो, चाय भी लाओ। हाँ हलवा तो खाओ, खाओ यार। पता नहीं उस्मान भाई घर पर होंगे भी या नहीं। सादिया, में रिजा को वहाँ अकेले छोड़ के नहीं आना चाहिए, हमें उसे अपने साथ लेके आना चाहिए था। खाला को देखा था किस तरह से परेशान थी वो, उनकी शक्ल पे इतना खौफ था कि कहीं उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, उसका घर ना उजड़ जाए। तुम्हें कैसा माशरा है हमारा, मजलूम को सिर्फ मजलूम समझता है और उसको उसका हक कभी नहीं देता। अस्सलाम वालेकुम रजी साहब। जी जी, नहीं मसले की कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ी देर में पहुंच गया। खुदा हाफिज़।
बस परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। काश खालदा मैंने अपनी बच्ची की शादी उस घर में ना की होती तो आज मेरी बच्ची भी बहुत खुश होती। जोड़े तो आसमान में ही बनते हैं, बाकी खुदा की मर्जी। नहीं, मेरी बच्ची वहां बहुत परेशान है, वो खुश नहीं है वहां पर। बस अल्लाह पाक है जो उसकी परेशानियां दूर करे। हम माएं भी कितनी मजबूर होती हैं, बेटी चाहे जितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, जमाने के डर से हम उसे मजबूर कर लेते हैं रिश्ता निभाने में। अब मुझे क्या पता था, मैं तो समझी थी कि उस्मान बहुत अच्छा लड़का है, वो उसका बहुत ख्याल रखेगा, पर अब तो वो भी। ऊंच नीच तो हो ही जाती है हर रिश्ते में। सफीर और सादिया गए हैं वहां पे, शायद कोई मामला ठीक हो जाए। बस मेरा अल्लाह पाक ही है जो मेरी बच्ची की परेशानियां दूर करे। इंशाल्लाह। अच्छा अब मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हैं? अभी तो सादिया और सफीर को तो वापस आ लेने दे। अनीक अगर ऑफिस से आ गया तो मुझे ना पाकर बहुत परेशान होगा, और मैं नहीं चाहती कि रिदा के मामले में उसे कुछ पता चले। अब जाएं, मैं शाम को आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। क्या बात है उस्मान? जी मुतसर। शुक्र है भाई, तुम्हें मैं याद तो हूँ, वरना तो तुम्हारे अंदाज से लग रहा था कि तुम अपने सारा होशो आवाज गवा चुके हो। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? हाँ, ऑल गुड। तुम्हारा परेशान चेहरा तो कुछ और कह रहा है उस्मान। वो तबीयत कुछ ठीक नहीं आज। यार लीव ले लेते, रेस्ट करते घर पे। मैं भी यही सोच रहा था। चलो आज जल्दी चले जाना, मुझे तुम्हारी तबीयत खासी खराब लग रही है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो। क्या फरमा रहे थे मुदस्सिर साहब? यकीनन कुरेद कुरेद कर तुम्हारी परेशानी जानने की कोशिश कर रहे होंगे। सब बुरे लगते हैं मुझे ऐसे लोग जो हमदर्द बनकर सब जान लेते हैं, उसके बाद हर जगह ये किस्सा सुनाते हैं। तुम मुदस्सिर से थोड़ा होशियार रहा करो। क्या हुआ, फिर बीवी से झगड़ा हो गया? तुम अपनी बीवी से पूछ क्यों नहीं लेते, आखिर चाहती क्या है? पूछने की क्या जरूरत है, जानता हूं वो क्या चाहती है। मिस, आपको बॉस ने बुलाया है। आती हूँ। जी अच्छा। एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ। सर का फोन। हेलो। हाँ फहीन, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तुम ये बताओ हमारी शानजे कैसी है, क्या कर रही हो वो? आपकी शहजादी बिल्कुल ठीक है, खेल में मसरूफ है, आपको बहुत याद करती है। कसम से मैं भी तुम दोनों को बहुत याद करता हूँ, दिल करता है अभी फ्लाइट पकड़ूं और तुम दोनों के पास आ जाऊं। आप यहाँ क्यों आएंगे? आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप हमें वहां बुला लेंगे। हाँ हाँ, मुझे अपना वादा अच्छी तरह याद है, तुम दोनों का वीजा अप्लाई कर दिया,
वो दिन दूर नहीं है जब हम फिर सब साथ होंगे। थैंक यू अजहर, आप जैसा शौहर तो सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। अजहर, उस दिन मैंने गुस्से में पता नहीं आपको क्या कुछ कह दिया। I'm really sorry for that. अरे कोई बात नहीं है, शर्मिंदा मत हो। गुस्सा इंसान को बहुत कुछ करने पे मजबूर कर देता है। मम्मा, आप बाबा से बात कर रही हैं? जी। मुझे भी बात करनी है बाबा से। अजहर, आपकी शहजादी ने आपसे बात करनी है, एक सेकेंड। हाँ हाय बाबा। हेलो पापा की जान, क्या हाल चाल है आपके? पापा, आई रियली मिस यू। आप कब आएंगे? मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा हूँ मेरे बच्चे। मैं आपने इधर आना है, ठीक है? तो कैसा चल रहा है, टॉयज के साथ एंजॉय कर रहे हो? बाय बाबा, टेक केयर, लव यू, बाय। ओके, टेक केयर, बाय। चलो आप जाके खेलो, मैं आती हूँ। हाँ क्या वो अपने बेडरूम में नहीं है? नहीं अब्बा, सारी रात उसने लाउंज में गुजारी है और आपको पता है उस्मान उसे पूछने तक नहीं गया था। पता लगाओ कि ये चक्कर क्या है, क्या बात हुई है, वरना हमारा बच्चा तो दीवाना था उसका। वो सब तो मैं पता लगा लूंगी, पर पता नहीं इकबाल क्यों अभी तक वापस नहीं आया। गेट पे ऐसा कौन आ गया, मैं देखती हूँ जरा। रहने दो, तुम मेरी बात सुनो गौर से। देखो, इन दोनों के दिल एक दूसरे से खट्टे होने चाहिए, लेकिन उसे रहना इसी घर में है। वो यहाँ रहेगी तो हम सबकी बेहतरी है उसमें। आप बिल्कुल फिक्र ना करें अब्बा, मैं उसे निकालने की कोई प्लानिंग नहीं कर रही, वो इधर ही रहेगी इसी घर में। अब जरा मैं देख लूं। कैसे कैसे रंग दिखाए कारी रतिया। चुप कर जा रहा था, सोच भी नहीं सकती थी सादिया, उस्मान इस तरह से शक में घिर के यूं अजनबी बन के मुझ पे शक करेंगे। उन्होंने सिर्फ शक नहीं किया, उन्होंने तो मेरे मेरे किरदार पे भी उंगली उठा दी। समझ नहीं आता कि मैं मर क्यों नहीं जाती, मैं जी क्यों नहीं। मैं अपने लिए तो मुसीबत बनी रही हूं, लेकिन मैंने अम्मी और भाई को कितनी मुश्किल में डाल दिया है। ऐसे नहीं कहते, लेकिन तुम्हें उस्मान भाई के दिल से शक का कांटा निकालना है, उन्हें हकीकत बतानी है। क्या फायदा होगा, उस्मान की आंखों की अजनबियत, उनके लहजे की ठंडक, मुझे लगता है मेरी मोहब्बत का मोती टूट गया। प्रीता, तुम्हें उस्मान भाई को उनकी बहन और उनकी माँ की घटिया फरमाइश के बारे में बता देना चाहिए। मैंने मैके का भरम रखना चाहा था, मैंने तो अपनी ज्वेलरी भी बेच दी थी और उन दोनों के लिए ज्वेलरी खरीदी थी। और मैंने ये कहा था कि वो मेरी अम्मी की तरफ से उनके लिए तोहफा है। कितने लालची लोग हैं। बस इसीलिए मैंने फैसला कर लिया, मुझे नहीं रहना यहाँ। उस्मान ने किस तरह अजनबी बन के मुझसे कहा मैं यहाँ से चली जाऊं। मैंने पूरी रात सोचा है सादिया, क्या आखिर मेरा ताल्लुक क्या है, ये लोग मेरे लिए लगते क्या है। और मुझे जवाब मिल गया है, मेरा लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। इसीलिए तो मैं समझा रही हूँ कि उस्मान भाई को सारी हकीकत बताओ, इस तरह से इल्जाम लेके यहाँ से नहीं जाना। मुझे पूरा यकीन है जब तुम उन्हें सच्चाई बताओगे वो जरूर शर्मिंदा होंगे, तुम्हारी बात में उनको भी सच्चाई नजर आएगी। और तुम बहादुर हो, सच्ची हो, इसका सामना करना होगा तुम्हें। अच्छी तरह से जानती हूँ तो उनके बगैर नहीं रह सकती, उनसे बहुत मोहब्बत करती। तुम मेरी बात समझ रही हो ना, किरदार से बढ़कर औरत के लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हें ये कीचड़ साफ करना है।
क्या हुआ खाला? अल्लाह खैर करे बेटा, इतनी देर हो गई है, ये लोग अभी तक वापस नहीं आए। पता नहीं रिदा क्या हाल होगा। अरे खाला, आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे रिदा आपकी बेटी हो। बेटा वो मेरे लिए सादिया की तरह ही है। हम दोनों घरानों का बहुत पुराना रिश्ता है। ये सारे बच्चे रुखसाना ने हमेशा दुख सुख में साथ दिया है, बस अल्लाह इनको हिफ्ज़ अमान में रखे। अरे आप परेशान ना हो, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो जाएगी खाला। बेटा जरा सफीर को तो फोन लगाओ, उसी से बात करूं। जी। पता नहीं रदा की अम्मी पे क्या गुजर रही होगी। खाला मेरा तो ख्याल है कि आपको वहां जाना चाहिए। हाँ रुखसाना तो अकेली होगी, मुझे तो ख्याल ही नहीं आया। मैं जल्दी से होके आती हूँ। बेटा दरवाजा अच्छी तरह बंद कर लेना। जी जी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं लॉक कर लूंगी, आप जाएं आराम से। इसका फोन मुसलसल ऑफ क्यों जा रहा है? ऐसे तो पहली बेल पे उठा लेता था। जरूर कोई गड़बड़। ओहो भाई, तुम कब आई हो? हमें तो पता ही नहीं चला। अगर तुम्हें याद हो तो इस घर में दो बुजुर्ग भी रहते हैं, पर तुमसे तो इतना हुआ नहीं कि जाके उनसे सलाम दुआ ले लो। हो तो तुम बदतमीज ना। अगली बार आऊंगी तो सबसे सलाम दुआ कर लूंगी। खुदा बदतमीज। और तू? तुझे तो मैं पूछती हूँ। मुझे वापस जाना होगा। अगर मैं यहाँ रही तो जरूर कोई गड़बड़ हो जाएगी। वाजिद की अम्मा भी ना बड़ी तेज औरत है, कोई ना कोई गेम तो जरूर खेल जाएगी। लेकिन कैसे जाऊं? या अल्लाह कहाँ फंस गई हूं मैं। लगता है खाला वापस आ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए। वो दरअसल मैं खाला से मिलने आया। खाला तो एक बहाना है, साफ साफ बताइए ना किससे मिलने आए। आप जो समझ ही गई हैं तो उन्हें बुला भी दीजिए। बुला तो मैं दूं, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि वो भी आपसे मिलना चाहते। क्या मतलब? मतलब ये कि आप तो बहुत बेचैन हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन सिर्फ मामला ये नहीं। उस रोज जब आपकी कॉल भी आई थी तो सादिया ने मुझे ही बोला अटेंड करने के लिए। असल में बात शायद ये है कि आपकी तो पहली पहली शादी है, पहली पहली मोहब्बत है, लेकिन सादिया तो इस सब से गुजर चुकी है। उसे मोहब्बत भी हो चुकी है और उसकी पहले शादी भी हो चुकी है। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो अब तक अपने मरहूम शोहर से मोहब्बत करती है। आपकी बात अगर मुकम्मल हो गई तो मैं अंदर चला जाऊं। जी जी आ जाए, लेकिन घर पे कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है? नहीं। अच्छा तो फिर मैं बाद में आऊं। जी बिल्कुल, अल्लाह हाफिज। ये मामला अब से नहीं चल रहा। रिदा बता रही थी काशवा को वो आपको लेकर, रिदा पर पहले भी शक था और यकीनन उसी ने उस्मान भाई से कोई ना कोई बात कही है। रिदा की जिंदगी सिर्फ मेरी वजह से उलझनों का शिकार बन रही है और ये बात मुझसे नहीं सही जाती। तो सिर्फ उसी जिंदगी में रंग भरना चाहता था। अल्लाह करे हमेशा खुश रहे। रिदा बहुत ज्यादा परेशान है उस्मान भाई के रवैये को लेकर। वो तो चाह रही थी कि वो खामोशी से आ जाए। मैंने उसको समझाया कि उसे वजाहत देनी चाहिए कि उसने कुछ भी नहीं किया और ये इल्जाम अपने सर पर नहीं लेना चाहिए उसे।
मुझे उम्मीद है उस्मान भाई को समझ आएगी उसकी बात। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आप तो परेशान नहीं हो, हमें तो खाला को तसल्ली देनी है, ना जाने वो कितनी परेशान होगी। अभी सारी जिंदगी इतनी मुश्किल और मायूस क्यों? पता नहीं वक्त कब बदलेगा। जो खुश है उससे खुशियां कब तक छीनेंगे लोग? जो हकदार है उसको हक कब मिलेगा? आंटी आप इस तरह झूठ क्यों बोल रही हैं? चुप, दफा हो जाओ यहां से। तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। पता नहीं खालदा रीता किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी। वो तो मेरे पास आना चाह रही थी, अपने दिल का बोझ हल्का करना चाह रही थी, पर मैं कैसी माँ हूं, मैंने ही उसे मना कर दिया। फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मुझे तो उसका रोना नहीं भूलता खालदा। ऐसा क्या करूं कि मेरी बच्ची फिर से मुस्कुराने लगे, फिर से खुश हो जाए। याद है शादी से पहले वो कितनी खुश रहा करती थी। काश हम अपनी बेटियों की नसीब लिख सकते होते। हाँ वो तो बहुत हौसले वाली है। पता नहीं ना जाने से क्या बात हो गई जो उसने इतनी मायूसी वाली बातें की। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सब ठीक तो है ना? रिदा से बात हुई थी? खाला क्या छुपा रही है अंदर? नहीं 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 बेटा वो। अच्छा तुम बैठो ना, मैं खाना लाती हूँ। ऐसी सिचुएशन में मुझसे खाना खाया जाएगा? बताएं क्या हुआ। बेटा परेशान नहीं हो, रिदा की कॉल आई थी, थोड़ा अपसेट थी। ऐसे तो हो जाता है ना। सफीर और सादिया गए हैं उसे मिलने, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आपने मुझे बताया नहीं, बता देती कम से कम, मैं खुद चला जाऊं। अरे रुको तो सही। ये वो परेशान होगी बेचारी। अरे बेटा हम रुखसत कर चुके अपनी बेटी को, अब वो पराई हो गई है, हमारा अख्तियार नहीं है उस पर। बेबस है हम लोग, हम तो बेटा यही दुआ कर सकते हैं कि वो अपने घर में खुश रहे बस। वालेकुम सलाम। कितनी देर कर दिया जाने में? हाँ बेटा देर तो हो गई और मैं थक भी बहुत। आपकी सारी थकन दूर हो जाएगी, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है भाई? अम्मी असर ने मेरा और शांजे का वीजा अप्लाई किया था, वो बहुत जल्द आने वाले, हम अजहर के पास चले जाएंगे। वाकई सच कह रही हो? लम्या मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे। सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है, वरना उन लोगों ने मेरी जिंदगी जीवन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बेटा माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए हमेशा दुआएं करते रहते हैं कि उनकी जिंदगी संवरी रहे, उनकी जिंदगी पे कोई बुरा असर ना पड़े। अगर ये खुशी तुम्हें अजहर की वजह से मिली है, अगर अजहर ना होता ना तो ये सब ना होता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, अजहर की वजह से मेरी जिंदगी की वीरानी खत्म हुई है। अल्लाह का बहुत शुक्र है। बहुत एक्साइटेड हूं। शाजमा देखो यहाँ पे इस तरह कुछ नहीं बोलोगे, बस चुप करके बैठो। अब बताओ क्या बात है? नहीं यार कुछ नहीं, बस सरासर सर में दर्द था। ठीक है तुम बताना नहीं चाहते तो वो एक अलग बात है, नहीं तो कोई एक अंधा भी बता सकता है कि तुम ठीक नहीं।
तुम्हारी बीवी को तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं, पूरा दिन गुजर गया उसने एक कॉल तक नहीं की। मुझे तो समझ में नहीं आता कैसी औरत है। क्या हुआ, कुछ गलत कहा? तुम इतने खामोश क्यों हो? अगर तुम्हें बुरा लगा तो उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं है, बुरा लगने वाली क्या बात है इसमें? जो कहा वो सच ही था। तुमने कभी उससे पूछा नहीं आखिर चाहती क्या है? कोई तो वजह होगी इस बेजारी की। शायद वजह जान चुका हूं। क्या वजह? कुछ नहीं, सब में दोबारा शदीद दर्द उठ रहा है। क्या कोई चाय वगैरह? ऑर्डर देते हैं। वेटर, चाय के साथ कुछ लोगे? नहीं बस सिर्फ चाय। दो चाय ला दो। यस। तुम अपना ख्याल रखा करो उस्मान, तुम बहुत वीक हो रहे हो, मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। शाज़मा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। भला ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम्हारी फिक्र ना करूं? अगर इतना अच्छा होता तुम से कभी अनजान नहीं। ये तो तुम मुझसे पूछो कि तुम कितने अच्छे हो। मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं घर ही ना जाऊं, बल्कि आज क्या कभी भी ना जाऊं। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। काशवा जी। उस्मान कहाँ रह गए हो? टाइम देखा है तुमने? जल्दी घर आओ। क्या हुआ, कोई काम था क्या? मैं कह रही हूँ ना तुम्हें, जल्दी घर आओ तब सब कुछ बताऊंगी तुम्हें। जल्दी आओ भाई। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। वापस कौन थी तुम्हारी बाजी? तो तुमने मेरी बात क्यों नहीं करवाई? तुम्हें पता है तुम्हारे घर वालों से मिलने के लिए मैं कितनी बेचैन हूं। मुझे यकीन है वो भी तुम्हारी तरह बहुत अच्छे होंगे। चाबी लो, ठंडी हो जाएगी। शाम हो गई है और अब मुझे अपनी सफाई पेश करनी होगी। कटहरी में खड़ा होना होगा। कल तक मुझे ये कमरा अपनी पनाहगाह लगता था और आज ये कमरा मक्तलगाह की तरह लग रहा है। कितने शौक से मैं इसे सजाती थी, संवारती थी, कितनी बेवकूफ थी मैं। एक पराई चीज को अपनी समझ बैठी। सादिया ने ठीक कहा, अगर मुझे दामन पे लगे इस दाग को मिटाना है तो मुझे साफ साफ खुल के बात करनी होगी। घर से जाते हुए तुम बिल्कुल भूल जाते हो ना कि पीछे तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम्हारी बहन इस घर में रहती है। तुम्हारी बीवी को तुम्हारा ख्याल हो ना हो, लेकिन हमें तो ध्यान रहता है ना तुम्हारा। हम बाबा से मिल लो। रहने दो, कोई फायदा नहीं है, घर पे नहीं है वो दोनों। बहुत उदास हो रहे थे, किसी जानने वाले के घर गए। तुम्हारी बीवी के रवैयों की वजह से बहुत परेशान है दोनों। एक बात बताएं काशवा जी,
पूरी दुनिया में आपको एक यही लड़की मिली थी मेरे लिए। क्या मतलब? आप लोगों ने क्यों मेरे लिए एक ऐसी लड़की का इंतखाब किया जिसका वजूद तो इस घर में है लेकिन दिल वहीं है। कहना क्या चाह रहे हो? कुछ समझ में आ रही है लेकिन प्लीज खुल के बोलो। उसके साथ जुल्म हुआ है शायद इस वजह से, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैं इस घर में उसको जबरदस्ती तो नहीं लाया था ना। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कोई कसूर नहीं है। तुमने तो उसे खुल के चाहा है ना। तुम नहीं जानते ऐसी औरतें हैं इस दुनिया में जो बहुत नाशुक्री हैं। भाई हम तो सिर्फ सब्र ही कर सकते हैं। और तुम्हें पता है कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे भोले और मासूम लोग इस दुनिया में सिर्फ सब्र करने के लिए आए हैं। इसे सब्र कर लो। ये लीजिए, आज आपको दिल खोल कर शॉपिंग करवा दी हमने। अच्छा, ज्यादा जताने की जरूरत नहीं है, इन चीजों पर मेरा हक है। मजा रहे कि हम जता सकें इन चीजों पे? क्या हम पे भी हक है आपका तो। क्या ये तुम क्या कह रही हो रिदा? हाँ, आपकी अम्मी और बहन इतनी आसानी से मुतालबा कर लिया, लेकिन मैं जानती थी कि गोल्ड की तहाइफ देना मेरी अम्मी के लिए आसान नहीं होगा। और मैं घर का सुकून भी चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मुतालबा पूरा ना किया तो मेरी तो जिंदगी अजीरन हो जाएगी, ऊपर से मेरे घर वालों को इतना बुरा भला कहा जाएगा। तो अपने सुकून के लिए और अपने मैके का भरम रखने के लिए मैंने अपने जेवरात बेच दिए और मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। तुम कुछ है कहती ना? नहीं, फिर मैं अपने मैके का भरम खो देती। और आप क्या सोचते कि मेरी माँ इतनी गई गुजरी है कि वो खुद एक रस्म तक पूरी नहीं कर सकती, और अगर मैं अम्मी और भाई को बताती तो वो मुझे कभी भी मेरे जेवरात नहीं बेचने देते, और वो कुछ भी कर आके गोल्ड की तहाइफ आपके घर वालों को दे देते, और मैं उन पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसीलिए मैंने सफीर से कहा कि वो मुझे स्मार्ट मिल गई तुम्हें फुर्सत। घर घुसते ही तुम अपनी बीवी की जी हजूरी करने चल पड़ते हो, हमारे लिए तो वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। ज्वेलरी कहाँ है? कौन सी ज्वेलरी? आप अच्छी तरह जानती है मैं क्या बोल रहा हूँ, वही ज्वेलरी जो आपने रिदा के घर वालों से ली है। और कहाँ कहाँ जलील करवाना है आप लोगों ने मुझे। क्या हो गया है? रिदा के घर वालों से हम क्यों लेंगे तोहफे? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? झूठ मत बोले आप। रिदा के भाई की शादी में रस्म के नाम पर आप लोगों ने ज्वेलरी ली के नहीं? इतना बड़ा इल्जाम, तुम अपनी माँ पर अपनी बहन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो उसके कहने पे? दिमाग ठीक है तुम्हारा? किस लहजे में अम्मा से बात कर रहे हो बताओ? इल्जाम लगाती है तुम्हारी बीवी, साजिश करे वो, और सवाल जवाब करो तुम हमसे क्यों भाई? ओ बीवी, कौन सी ज्वेलरी ली हमने तुमसे बोलो। काशवा बाजी, आप मुकर कैसे सकती हैं? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? तुम हमें झूठा कह रही हो? अरे भाई, सच तो ये है कि तुम्हारा दिल भर गया हमसे और तुम ये घर छोड़ के जाना चाहती हो। हम तुम्हारे करतूतों पे पर्दे डालें और उल्टा तुम हम पे इल्जाम लगाओ? हाँ, बताऊं तुम्हारे मियां को? बताऊं अभी तुम्हारे उस पुराने आशिक के बारे में? पूछो इससे, बल्कि पुराना क्यों, वो तो अभी भी तुम्हारा आशिक है, बल्कि आज ही गेट पे आ गया था। क्यों बोलो? खुदा के लिए काशवा बाजी, इस तरह की बातें तो मत करें आप। अच्छा, गुनाहों के खेल खेलो तुम और अल्लाह का खौफ करें हम। हाँ बताओ, बताओ हम सबको सफीर क्यों आया था आज यहाँ? इतनी बेइज्जती तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, बिल्कुल बर्दाश्त। मां बस। आंटी, आप इस तरह झूठ क्यों बोल रही हैं? चुप, दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। बुला दिया तुमने अम्मा को? या अल्लाह, मुझे उठा ले बस, अब मैं जिंदा ही नहीं रहना चाहती, इतना बड़ा इल्जाम। आप
रोना तो बंद करें आप प्लीज। हटो। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे कोई गलत फहमी हो गई है। माँ इल्जाम लगाते हुए ख्याल नहीं आता गलती हो गई। कितनी मिस नहीं है देखा तुमने, शिकायत लगा दी हमारी, इसको तो सीधा करना पड़ेगा। अल्लाह तो बा परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मगर आखिर ऐसा क्या हो गया जो रिदा इस कदर परेशान थी? कुछ नया नहीं है खाला, बस थक गई है इस मायूसी वाली जिंदगी से। बेटा उसे हौसला देना था ना, समझाना था उसे। बस बेटा अच्छा बेटियां दुल्हन बनकर चली जाए तो महके के दरवाजे बंद हो जाते हैं उनके लिए। जिस घर को अपना कहती हैं सारी जिंदगी, वो घर माँ बाप बहन भाई सब पराए हो जाते हैं। ऐसा तो मत कहें खाला। नहीं बेटा मैं नहीं कर, मैं तो एक बेटी की मजबूर बेबस माँ हूँ, मैं कहाँ कह रही हूँ। ये तो हमारी रवायत है, हमारा माशरा कह रहा है। ब्याहता के लिए उसके ससुराल के अलावा कोई घर नहीं होता। कितने संगदिल हैं हम लोग, औरत को इंसान ही नहीं समझते। खाला अनीक कब आएगा? कह रहा था कि बस एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा, तो काफी देर हो गई। अच्छा बेटा बहुत देर हो गई, तुम लोग अब जाओ, खालदा इंतजार कर रही होगी ना। खाला अपना ख्याल रखें, पर अगर अनीक को आते हुए देर सवेर हो जाए तो आप हमें बता दें, हम आ जाएंगे। जीते रहो बेटा, सलामत रहो, इतना ख्याल रखते हो मेरा। और खाला आपको आराम करना चाहिए, अगर आप इस तरह बैठी रहेंगी तो फजूल सोचो मैं अपना भूल जाती जाएंगी। अच्छा बाबा, मैं तो सोच रही थी अनीक आ जाता तो फिर सो जाती। मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ के आती। अच्छा चल। चाहा था उस जिंदगी ने मारा।